जैसे कि आप सबको मालूम है कि पिछले एक दो महीने से जो हालात फिर से रोनमा शुरू हो गए हैं हमारे खिते चुनाव में, पार्टिकुलर जो देखने में आया कुटवा रेंजेस और यहाँ पर गुंदर रेंजेस, इन हालात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो वर्किंग जर्नल एसोसिएशन है, जो वर्कर्स यहाँ पर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि यहाँ पर इमिडिएटली जो है करंट सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए एक एसोसिएशन फॉर्म करने की जरूरत है, ताकि जो रूल्स ऑफ मीडिया होती हैं इसमें कॉन्फ्लिक्ट एरिया में, उसके तहत जो है वो जो है बहुत से पहलुओं को मदद रखते हुए काम किया जाए। उससे सबसे बड़ी बात है क्योंकि ऐसी सिचुएशन जब राइज हो जाती है कहीं पर भी, तो जर्नलिस्ट को बहुत सी प्रॉब्लम का जो है सामना करना पड़ता है। ही बिकम फर्स्ट अंडर थ्रेट, और कभी न्यूज से रिलेटेड भी है और कभी बहुत सारे इश्यूज भी बन जाते हैं। तो सेकंड ये है कि चूंकि बुधरा वैली और खिते चुनाव जो है कई अरसे के बाद थोड़ा सा कहीं लाइट पर आ रहा था, तो और ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए और इसके बाद जो है इसकी जो है जिस प्रकार से जो है प्रेजेंटेशन दी गई, तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि थोड़ा सा नुकसान हो रहा है हमारे इस इलाके में क्या। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि भाई किस प्रकार से जो है वो स्ट्रेटजिकली जो है वो टैकल किया जाएगा, और एडमिनिस्ट्रेशन से भी जो है वो जो है रबते जो है मजबूत किए जाए, और ओवरऑल जो है कोशिश यही होगी कि जो भी इश्यूज हैं पब्लिक के जो किसी भी एंगल से हैं, तो वो इन बिटवीन गवर्नमेंट और या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान जो है वो लाया जाए, उन मसलों को जो हल कराया जाए, और किस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए जो यहाँ का भाईचारा, अमन भाईचारा जो है वो कायम रहे। क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेटजिकली जो है गेम्स चलाई जाती हैं, तो खुसूसन जो कुछ हिट एरिया रहते हैं रेड जोन एरिया में, तो म्यूनिसिपल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर शेड में भी कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं। तो ये डिसाइड किया गया कि जो भी बयान जो है जो रिलीज करेगा उसको देखा जाए, स्क्रीनिंग हो, ताकि इस इलाके की किसी भी सालमियत को कोई नुकसान ना हो जाए, चाहे वो हमारे टूरिज्म से रिलेटेड है, चाहे हमारे वो सोशल इश्यू से रिलेटेड है, चाहे वो कॉमन भाई बदारे जो है मद्देनजर। तो इसी जमन में जो है आज बुधरा वर्किंग जनरल एसोसिएशन के फॉरम की गई, उसमें जो है अनएनवेसरी जो डिसाइड किया गया, जो अपॉइंट किया गया हमारे साहिर साहब जो है एज ए प्रेजिडेंट यंग ब्लड हैं, और हमारे केहर सिंह जी जो है ये वाइस प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर किए, और साजिद तुफैल साहब जो है चेयरमैन। तो ये जो बॉडी फॉर्म की गई है इनकी इनके जो है अंडर चीफ कीन गाइडेंस जो है जितने भी वर्कआउट होंगे इसमें हमारे बुधरा के एरिया में और एजनी एरिया में जो है वो काम किया जाएगा, और कोशिश यही होगी कि जो भी जो बयानात है जो भी जो न्यूज़ आइटम्स है उसमें ये इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए कि किसी प्रकार से भी जो है बुधरा की सालमियत को कोई नुकसान ना पहुँचे, और जो भी कुछ कॉन्फिडेंस न्यूज़ आ जाती है तो उसको किस प्रकार से जो फ्लैश करना है, तो इन चीज़ों को मदद